आज देशभर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस पर समाज में महिलाओं द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए याद कर उनको सम्मानित किया जाता है। हम आपको विदिशा की एक ऐसी ही महिला से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पति की मौत के बाद संघर्ष कर बच्चों का पालन पोषण किया। पैरालाइज से विकलांग हो चुके पति की मौत के बाद सरजूबाई ने पंचर जोड़कर परिवार का पालन किया। देखिए खास रिपोर्ट। महिला दिवस के मौके पर आज हम ऐसी सशक्त महिला से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने पति की कमी अपने बच्चों को कभी महसूस नहीं होने दी। विदिशा की सरजू बाई के पति एक साल पहले काल के गाल में समा गए और पति के जाने के बाद सरजू के सामने आजीविका चलाने की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। लेकिन सरजू ने साइकिल और बाइक पंचर बनाकर अपनी और अपने बच्चों की जीविका चलाई। सरजू कहती है कि विकलांगता ने मेरे पति को तो मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं हार जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया है। सबसे पहले पंचर जोड़कर 10-10 रुपए मिले, उससे आटा लेकर बच्चों का पेट भरा, फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ी और पंचर की दुकान को ही अपनी आजीविका का साधन मानकर मेहनत करने लगी और इस काम को ही आजीविका का साधन बना लिया ताकि अब बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाऊँ। मेरे पति पूर्ण रूप से विकलांग थे, उनसे ये कार्य नहीं हो पाता था, हमारे कस्टमर लौट जाते थे। फिर हमारी लड़कियों ने उनके साथ में काम करा, फिर हमारी लड़कियों ने भी हमें काम सिखाया। फिर आज तक की स्थिति हमारी बहुत ख़राब हो गई थी। एक दिन की बात थी कि हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था, और इसके बाद में फिर पंचर बनाए मेरी बेटियों ने, फिर मैंने, फिर हमारे ग्राहक आए तो हमें कोई ने 10 रुपये दिए एक ग्राहक ने, फिर दूसरे ने आया तो दूसरे ने 10 रुपये दिए, तो 20 रुपये का हम आटा सामान लेके आए। फिर हमने खाना बनाया, फिर इससे हमें लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमने उस दिन से संकल्प ले लिया था कि हम अपने बच्चों को पालने के लिए हम ये मेहनत करेंगे। तो हमने ये मेहनत की और भगवान ने भी हमें साथ दिया। फिर हमने काम सीख गया धीरे धीरे सब काम, तो हम सब काम करने लगे। और मेरे पति पूर्ण रूप से विकलांग हो चुके थे, तो फिर मेरे को बहुत परेशानी पड़ती थी मेरे बच्चों को पालने में। तो फिर मैंने क्या किया कि दिन में ग्राहकी कम होती थी, तो फिर मैंने 24 घंटा सेवा उपलब्ध है लिखवा दिया था दुकान पर। तो फिर मैंने लिखवा दिया था, तो फिर कभी कभी हमारे रात में भी कस्टमर आते थे, तो हम उठ में रात के भी पंचर का काम कार्य करते थे। जब भी आ जाएँ, जब भी जितने बजे भी आ जाएँ उतने बजे, लेकिन पैसा हम जितना दिन में लेते थे उतना रात में ही लेते थे, और हम उससे कभी ज़्यादा नहीं लेते थे। हमको करते करते ये 20 साल हो गए ये काम करते करते बस। और भगवान ने भी हमारा साथ दिया और हमने ऐसे संघर्ष लिया था, तो उस हिसाब से हमने मेहनत करते रहा, तो हमें पता भी नहीं चला कब समय हो गया। और इस बीच में मैंने बकरा बकरीन का पालन पोषण भी किया था, तो कुछ मदद मेरे बकरा बकरी उस समय मिली मुझे, और सरकार से मुझे कोई मदद नहीं मिली आज दिन तक नहीं। और मैं अपने कार्य करती रही, मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसी में ऐसी परिस्थिति से गुजरती रही। और मेरे पति का देहांत हो गया, फिर उसके बाद में मेरे बच्चे भी बड़े हुए, तो मेरे बच्चे ने एक संघर्ष करा कि हम भी मम्मी के साथ काम करेंगे। तो अब मेरे दोनों बेटे पढ़ते पढ़ाई छोड़ के नहीं, और मेरे दोनों बेटे इस काम में मेरी मदद करते हैं। अब मेरे दोनों बेटे काम करते हैं दुकान में, और जब वो नहीं होते हैं तो मैं भी ये दुकान संभालती हूँ उनके जाने, वो कहीं चले जाते हैं तो मैं दुकान संभालती हूँ। सरजूबाई ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और पंचर जोड़कर अपने बच्चों का पालन पोषण किया। सरजू के मजबूत हौसले और इरादे के चलते आज कई महिलाओं के सामने वे मिसाल पेश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, विदिशा।